हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एक्सलेंस फैमिली। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? वैसे तो बहुत ही अच्छे होंगे। ओके, सो पिछले वाले लेसन में है ना, आप लोगों ने क्या सीखा था? टेंसेस के बेसिक स्टेप्स, एंड देन आप लोगों ने उसमें सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल कैसे हैंडल करते हैं, पास्ट सिंपल कैसे देखते हैं, और फ्यूचर सिंपल को आप लोग कैसे समझते हो। सो आज के इस टॉपिक में हम क्या डिस्कशन करेंगे? टेंस की सेकेंड सीरीज, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में आपने क्या सीखा था? टेंस की फर्स्ट सीरीज, मतलब इंडेफिनेट, जिसको सिंपल वाली सीरीज भी बोलते हैं। लेकिन गाइज, आज के इस लेसन में आप सीखने जा रहे हो सेकेंड स्टेप, जिसका नाम है, आप जानते हो वैसे तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में। सो गाइज, आज आप सीखोगे कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो टेंस की कौन सी सीरीज होती है? सेकेंड सीरीज। ओके, सो कॉन्टिन्यूस टेंस में वैसे तो आप जानते हो कि प्रेजेंट भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है, एंड देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट फॉर्म वेलकम टू यू ऑल गाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, समझते हैं इसको क्या होता है। देखो, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक बॉय है ना, और ये बॉय क्या कर रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। मतलब कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग यही है गाइस कि एक लड़का जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहा है, मतलब इसका काम क्या है? चालू है, वर्तमान में या फिर प्रेजेंट में ये जो लड़का है वो काम क्या कर रहा है? कर ही रहा है, मतलब वो काम क्या है? जारी है। तभी तो इस सीरीज का नाम रखा गया है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ओके, चलिए। वैसे तो जब आप अगर इसको हिंदी टू इंग्लिश बनाओगे तो जज कैसे करोगे कि इसकी पहचान क्या है? बहुत ही ईजी है। देखो, जब भी आप यूज करोगे ना, तो क्या जज करोगे? रहा है, रही है, रहे हैं, और रहे हो। मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हो, कब कर रहे हो? अभी, दैट इज प्रेजेंट टाइम में आप वो वर्क कर रहे हो गाइस, है ना। सो जैसे कि जैसे कि आप लोगों ने है ना सीखा था कि सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो हमें तो अभी फर्स्ट इसी की बात करते हैं, कौन सा है? जी हाँ, आप जानते हो हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट को ही हमेशा पहले क्यों लिखा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में? क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो, तो जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तो उसमें मैं जो वर्ड है, आई जो वर्ड है, वो फर्स्ट आ जाता है ना, इसीलिए सब्जेक्ट पहले। अब फिर देखते हैं इजेमार। अच्छा, इजेमार क्या होती है? वैसे तो आप लोग बड़े ही समझदार हो ना, तो आपको वैसे तो पता है कि क्या होती है। वैसे ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ड। अच्छा, आप कहोगे मैडम यहाँ पे तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो हम कैसे कहाँ यूज़ करेंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगी। सो इजेमार फर्स्ट समझ लीजिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपको जितनी भी कॉन्टिन्यूस सीरीज आएंगी ना, सभी में क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है? आईएनजी। क्योंकि है ना बेटा, ये जो आईएनजी है, ये जितने भी कॉन्टिन्यूस आप बनाओगे, जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, है ना, जितने भी कॉन्टिन्यूस आप बनाओगे, वैसे तो टाइम तो थी नहीं है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे? आईएनजी का यूज़ करोगे। बहुत ही ईजी है ना गाइस। ओके, एंड लास्ट देन तो आप लोग समझते ही हो क्या यूज़ करने का है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, इजेमार यूज़ करना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर? फॉर्मूला तो क्लियर है, बट अब इजेमार का यूज़ हमें कैसे और कब करना है, आइए उस पर फोकस करते हैं, है ना। तो जितने भी आपके पास, अगर मैं कह दूँ, क्या कहूँ, प्लूरल सब्जेक्ट्स, है ना, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके पास आएंगे, जैसे कि बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन वही होते हैं ना प्लूरल, हिंदी में कहूँ तो मीनिंग हो जाता है बहुवचन। ऑलराइट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? हम यूज़ करेंगे आर का। क्लियर है ना?
करेंगे या नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं हम यूज़ करेंगे आर, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो अपनों ने पहले डिस्कशन कर लिया। वैसे ही जब हमारे पास आएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, है ना, जब हमारे पास आएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो देन हम यूज़ करेंगे, अच्छा क्या यूज़ करेंगे आप बताओगे, इज का। क्योंकि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करोगे ना कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो आप इज का यूज़ करोगे। आई मीन सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीरीज की यहाँ पे बात हो रही है, समझ गए ना आप बेटा कैसे यूज़ करोगे। अच्छा यहाँ पे आप कहोगे कि दे आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ये तो प्लूरल हो गए, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया, बट यहाँ पे आई तो है ही नहीं। गेस वॉट, आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई के लिए वैसे तो आप जानते हो नॉर्मली कि आई के लिए गाइज हम यूज़ करेंगे एम का। वैसे आप जानते हो आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग, है ना, इस तरीके से अपन क्या करते हैं एम का यूज़ करेंगे। वैसे तो आप स्पोकन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको रूल्स में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आइए कुछ है ना एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना हम खाना पका रहे हैं। हम सब मीन्स देख सकते हो ना ये झुंड बना रखा है मैंने आपके लिए, है ना, क्योंकि आप सब भी कभी ना कभी खाना तो बनाते हो ना। ओके, सो हम खाना पका रहे हैं, पकाना है यहाँ पे गाइस, बनाना नहीं है। बनाना होता है जब कोई काम, आई एम सो सॉरी, मतलब जब आप कुकिंग करते हो, बनाना अलग है। खाना बनाने के सेंस में अगर आप खाना बना रहे हो तो गाइस मेक यूज़ होता है, और अगर आप खाना पका रहे हो, है ना, खाना पकाने की बात चल रही है, मतलब कुकिंग की बात चल रही है, तो वैसे भी आपके नॉलेज में है कि हम कुक वर्ड यूज़ करने वाले। तो मेक और कुक में एक पतली सी एक थीन लाइन है जिसको आप फोकस करिए कि खाना बनाने की बात करेंगे तो क्या आएगा मेक, है ना, और पकाने की बात करेंगे तो कुक आएगा। वैसे ही यहाँ रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले गाइस हमें यूज़ करना है वी का जो सब्जेक्ट है, आर हमें यूज़ करना है क्योंकि ये हमारी गाइस क्या हो जाती है आप जानते हो, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या यूज़ करेंगे आईएनजी का। बहुत ही ईजी है गाइस, क्योंकि आईएनजी हमारा रूल कहता है कि जितने भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, जितनी भी कॉन्टिन्यूस सीरीज का हम लोग यूज़ करेंगे तो उन सभी में हम क्या यूज़ करेंगे आईएनजी, ये बात अपने माइंड में रख लेना, क्लियर। ओके, फिर लास्ट देन हम क्या यूज़ करेंगे आप जानते हो, फूड। फूड क्या है आपका गाइस, क्या है बताइए ना, ये है आपका ऑब्जेक्ट। जो पिछले वाली पिछला लेसन जिसने मेरा देखा होगा ना उसको पता है, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक जो हैं वो क्लियर कर दिए थे कि कौन सा क्या क्या होता है, वैसे भी आप जानते हो। अच्छा ठीक है, बढ़ते हैं ना सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस क्या बोलता है, क्या बोल रहा है कि आप, है ना, आप अंग्रेजी बोल रहे हो। अरे वाह यार बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश बोलना आई एम सो एक्साइटिंग फॉर यू। अच्छा तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो, है ना, बोलने के लिए आप जानते हो वर्ब क्या है स्पीक। कुछ नहीं करना है, अभी भी काम कर रहे हो ना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें पहचान फोकस करनी है। कोई भी टेंस आप बनाओ ना तो पहचान देखो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पुरानी वीडियो में भी बोला था कि आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर सेंटेंस क्या है, रहा है समझ आ गया, पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे यू का, आर हमारी क्या हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, वैसे भी आप जानते हो। फिर हम यूज़ करेंगे स्पीकिंग जो आपकी क्या हो गई है मेन वर्ब, उसके साथ आपने आईएनजी जोड़ा। फिर हम यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्ट, इंग्लिश आप जानते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पे आप काम करते हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप बोल तो रहे हो बट किस पे बोल रहे हो, आप इंग्लिश पे बोल रहे हो, तो इंग्लिश क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो वैसे ही अब हम फोकस करते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस पर जो क्या बोलता है, आइए, वह पत्र लिख रही है। कोई भी एक लड़की है ना, एक गर्ल है, क्यूट सी, वैसे इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती है पर फिर भी आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, है ना। देखो ये एक गर्ल है जो क्या कर रही है, एक लेटर लिख रही है, मतलब उस लड़की का काम क्या है, जारी है, कंटिन्यूस है, है ना, यही कहना है ना इस सेंटेंस का। आइए बना देते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लड़की है तो शी यूज़ कर लेंगे, कर लिया। ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, है ना, समझ गए। फिर राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। राइट, है ना,
राइट मीन्स आई मीन ये वाला राइट जो मैं कहना चाह रही हूँ, है ना, वो राइट नहीं है। ये राइट मतलब लिखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। हमें कुछ नहीं करना है, आई एन जी जहाँ हम लगाएंगे ना, तो जितनी भी वर्ब्स हमारे पास होती है जिसके लास्ट में ई आता है, तो हम क्या करते हैं, ई को हटाकर वहाँ पर आई एन जी पुट हो जाता है ना। जैसे अगर आप मेक की बात करो तो मेक में भी ई आता है ना लास्ट में, तो ई हटकर हम क्या कर देते हैं, आई एन जी का यूज़ कर लेते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स में, मैक्सिमम वर्ब्स में आप लोग ऐसा ही करते हो, है ना। देखो वैसे भी अब मैं बताने जा रही हूँ फोर्थ सेंटेंस, है ना। फोर्थ सेंटेंस में क्या बोला गया है, देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा सही तो है ना, मैं आपको पढ़ा ही तो रही हूँ। ओके सो इस सेंटेंस को बोलना है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो कैसे बोलोगे। देखो वैसे भी आप जानते हो कि मैं एलपी के लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ा रही हूँ, तो आप देख सकते हो, है ना। तो मैंने मेरा पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। ओके देखो कैसे बनाओगे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप ऐसे ही बनाओगे, आई एम टीचिंग यू। टीचिंग आपकी क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है, और आपने यूज़ किया हुआ है आई एन जी। क्लियर। सो बहुत ही ईजी है गाइज, अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अगर वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके सो अब हम बढ़ते हैं, आपने अफर्मेटिव तो बिल्कुल फुल्ली कंफर्टेबली सीख लिया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप सीखोगे नेगेटिव सेंटेंस। कि नेगेटिव सेंटेंस को जब आपके पास आ जाता है कि कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है, उस सेंस में आप क्या करोगे, है ना। देखो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, करते हैं, आप बोलिए तो सही एक बार। चलो ठीक है, नेगेटिव पे चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे इज एम आर, जो हमने पहले भी यूज़ किया है। फिर हम यूज़ करेंगे किसका, नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, कुछ नहीं करना है बेटा नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट का यूज़ करना है ना। सो एग्जाम्पल पे फोकस करें, सॉरी करते हैं। सो माय फर्स्ट एग्जाम्पल, लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक। ओके आज बारिश नहीं हो रही है ना। मेरे को किसने बोल दिया कि आज तो बारिश नहीं हो रही है, मतलब हम, है ना, अभी के ही सेंस में ये बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कैसे बोलेंगे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। आज क्या नहीं हो रही है, आज बारिश नहीं हो रही, तो इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। इट का यूज़ बताया था, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप इट यूज़ करते हो, और बर्ड्स, एनिमल्स, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। सो बहुत ही ईजी है, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। अब हमें बढ़ना है किस पे, अगले सेंटेंस पे, हैव अ लुक। तुम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हो, हमने किसी को बोल दिया कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हो, है ना। परफेक्ट स्ट्रिक्टली हमने क्या कर दिया, किसी को ऑर्डर दे दिया कि बेटा आज तुम, है ना, खेलने नहीं जा रहे हो, है ना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अच्छा बताना मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने क्या यूज़ करी, गो यूज़ करिए, ऑफकोर्स गो ही यूज़ होगी और आई एन जी यूज़ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, जाना, और खेलने जाना, तो ये तो हमारा क्या बन गया है, एक ऑब्जेक्ट, सॉरी एक हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर, तो उस तरीके से ही हम यहाँ बनाएंगे। तो तुम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हो, कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्लियर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो ही है, आप प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं गाइस थर्ड सेंटेंस पे, कि थर्ड सेंटेंस हमें क्या बोलता है। ओके देखो, हैव अ लुक, वह बाजार नहीं जा रहा है। अच्छा एक क्यूट सा लड़का तो आपको दे ही दिया है मैंने, है ना, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी नाउ। सो ये जो बॉय है ना, नाम स्पेसिफाई नहीं है, नाम स्पेसिफाई होता है तो पर्टिकुलरली हम उसका नाम ले लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। कुछ नहीं करना है बेटा, बस नॉट यूज करना है और सेंटेंस को इम्प्लीमेंट कर देना है, बहुत ईजी। आप डेली रूटीन में भी इनका यूज कर सकते हो, ऐसे कॉमन सेंटेंसेस में आपके लिए क्या करी हूँ, लेके आई हूँ, है ना। फोर्थ सेंटेंस देखो, हम, है ना, हम टीवी नहीं देख रहे। अच्छा टीवी देखना किसको पसंद नहीं होता,
सबको पसंद होता है। अच्छा आपको भी पसंद होगा वैसे तो, मुझे भी आई लाइक है ना। देखो हम टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वी आर नॉट वॉचिंग अ टीवी। हमने कुछ नहीं किया है गाइज, सिर्फ रूल इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। जिसने रूल्स अच्छे से सीखे हैं वो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल समझ पाएंगे। हम के लिए यूज़ कर लिया, वी वी प्लूरल है, वी क्या है गाइस, प्लूरल ही तो है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे आर का। चाहे आपके पास दे आ जाए, वी आ जाए, है ना, चिल्ड्रन आ जाए, चिल्ड्रन भी तो आपका प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स आ जाएँ, तो ये सारे क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके साथ क्या यूज़ करोगे आप, आर का। सो यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बोल सकते हो, समझ आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके चलो ठीक है गाइज, अब बात करते हैं, आपने नेगेटिव तो अच्छे से सीख लिया, अब हमें चलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, कि जब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे बोलेंगे। अच्छा कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में आप जानते हो क्या करना है, अपने को है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसको सबसे आगे लिख देना है ना। आगे लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम फिर से यूज़ कर लेंगे किसका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का, फिर लास्ट देन यूज़ कर देंगे ऑब्जेक्ट का। कितना ईजी है, बस आपको एक रूल याद रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप याद रख लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। सो फॉर्मूला तो क्लियर है किस तरीके से यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है और फिर एज इट इज़ जो आप करते आ रहे हो वही आपको करना है, एंड लास्ट देन तो आप भूलोगे नहीं, हमें क्या यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क। So have a look example interrogative sentence. क्या वह नाच रही है, मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या वह नाच रही है। अच्छा बना दें एक गर्ल, ओके वैसे तो इतना नहीं आता है, मैंने पहले भी बोला था पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, बट आपके लिए चलो ठीक है। क्या वह नाच रही है, कैसे बनाएंगे हम ऐसे ही तो बनाएंगे, इज शी डांसिंग, Is she dancing? Is बेटा क्यों लगाया, क्योंकि person हमारे पास क्या आया है, singular. Clear? She आपका क्या एक ही लड़की है ना, एक ही लड़की का तो drawing किया है मैंने यहाँ पे. Okay, good. So next sentence, have a look. क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही generally हम ऐसे बोल देते हैं कि क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, आजकल तो पढ़ाई किससे होती है guys? आजकल तो modern way है ना, तो हम क्या use करते हैं, हम तो वैसे लैपटॉप ही यूज़ करते हैं, है ना। देखो सो क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस सेंस में आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे हिंदी में रहे हैं, है ना, और रहे हैं आपने देखा तो आप समझ गए कंटिन्यूअस सीरीज है वो भी प्रेजेंट। फिर आप देखोगे अरे क्या वाली फीलिंग आ रही है, तो इंट्रोगेटिव की बात हो गई है, तो हुई कि नहीं हुई, अच्छा मुझे बता देना इंट्रोगेटिव की बात हुई कि नहीं हुई, अगर आप क्या देखते हो तो, देखते हो तो हो जाती है ना, समझ गए ना बच्चे। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही ईजी है। सो कुछ नहीं करना है, आपको लेना है आर वी डूइंग स्टडी, आर वी डूइंग स्टडी, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो, कैसे, एक तो अभी मैंने बताया आर वी डूइंग स्टडी, तो बेटा इस सेंटेंस में हमने क्या किया, ये जो करना वर्ड है ना, ये जो करना वर्ड है इसको मैंने मान लिया वर्ब, क्या मान लिया, मेन वर्ब, और उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया डूइंग, है ना, किया ना। बट एक और सेंटेंस कैसे बनेगा, अच्छा मैं लिख देती हूँ, इस सेंटेंस को आप बना सकते हो आर वी स्टडी, और आई एन जी हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब अपनों ने बोला, क्या बोला बच्चों, कि आर वी डूइंग स्टडी, ये तो आपने बना लिया, और इस सेंटेंस को कैसे बनाया मैंने, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, आर वी स्टडिंग, तो बेटा इसमें है ना स्टडी करना, पढ़ाई करना को मैंने मेन वर्ब मान लिया, क्या मान लिया, मेन वर्ब, और मेन वर्ब मान लिया इसलिए स्टडी के साथ ही मैंने क्या पुट कर दिया, आई एन जी, फिर मुझे डू की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर, तो सेंटेंस को आप है ना दो तरीकों से क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो, दोनों तरीके क्या हैं, सही हैं। आइए अब लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप,
क्या दीपक ऑफिस में काम कर रहा है? क्या दीपक ऑफिस में काम कर रहा है? सबसे पहले ऑब्जर्व रहा है, वर्ब देखो, काम करना है मतलब वर्क, समझ आ गया। फिर आप देखो, अरे ये तो यार इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे को नजर आ गया। वैसे सीरीज यही है, बट आप जज करना सीखिए कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंड। देखो बहुत ही ईजी है, आप यूज करोगे इज, सॉरी एक सेकेंड, आप यूज करोगे बेटा इज, क्योंकि आपके पास दीपक, ये जो दीपक है ना ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? अच्छा आप बता सकते हो सिंगुलर है ना, एक ही तो पर्सन की बात हो रही है। इज दीपक वर्किंग इन द ऑफिस? द ऑफिस पता चल गया, द स्पेसिफाई के लिए लगता है, ऑफिस जो है स्पेसिफाई हो गया। मे के सेंस में बात हो रही है तो हमने इन प्रीपोजिशन का क्या कर लिया, यूज कर लिया। अंडरस्टैंड गाइज? ओके, सो हमारा इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस क्या है, हैव अ लुक। क्या बोलता है ये सेंटेंस? क्या तुम यहाँ ठहर रहे हो? क्या बोला उसने? क्या तुम यहाँ ठहर रहे हो? अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ठहरना और रुकना दोनों के सेंस में क्या बोला मैंने, कि ठहरना हो या फिर रुकना हो, दोनों के सेंस में हम स्टे ही यूज करते हैं, है ना। स्टॉप भी आपने सुना होगा, रुकना रुक जाओ, स्टॉप भी यूज करते हैं, बट ठहरने के लिए, रहने के लिए किसी प्लेस में, मान लीजिए ये हमारा एक होटल हो गया, इस होटल में अपने को रहना है, रुकना है, ठहरना है, तो सेंस तो वही हुआ ना, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइज, स्टे का यूज़ करते हैं। यहाँ के लिए वैसे आप समझते हो कि यहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हियर, वहाँ होता तो हम यूज़ कर लेते क्या, सॉरी वहाँ होता तो हम यूज़ कर लेते देयर का। अभी देयर वाला सेंटेंस मैंने आपको नहीं दिया है, तो आप हियर वाला देखो, क्या तुम यहाँ ठहर रहे हो? आर यू स्टेइंग हियर? स्टे मतलब ठहरना, और उसके साथ हमने क्या पुट कर दिया है, आई एन जी। जी हाँ गाइस, हमने पुट कर दिया आई एन जी, आर यू स्टेइंग हियर? सो आज के इस लेसन में आप लोगों ने क्या सीखा, है ना? तो ये लेसन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड देन अच्छा एक बात और इसमें है ना, आप लोगों ने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट सीखा है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसकी अगली वाली सीरीज़ को निपटाएंगे, है ना। तो सो दैट आपके टेंस की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, सीख पाओ। तो आज का ये जो लेसन है कि आपने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर आपने सीखा इज एम आर का यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर आप चले हो नेगेटिव सेंटेंस पर, और इसके बाद लास्ट जो हमने सीखा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा है। सो गाइस, आज का ये जो लेसन है वो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू आवर वीडियोस, बाय बाय, सी यू लेटर।